रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्ट, रोक देना, क्या जब, अच्छा एक बल्ब है ओके, वो बल्ब है ना, वो बल्ब को मैंने 1 मीटर का वायर कनेक्ट किया, वो ग्लो करता है। मान लो मैंने 1 किलोमीटर का वायर ज्वाइन किया तो वो जितना ओरिजिनली ग्लो कर रहा था आप थोड़ा डिम ग्लो करेगा, क्यों? क्योंकि वायर का लेंथ बड़ा है तो करंट को उतना गोल घूम के जाना है, समझा? एक्चुअली गोल घूम के वैसा नहीं बोलेंगे, वायर में इलेक्ट्रॉन्स है, वायर में क्या है, वायर में क्या है, जितना लंबा वायर रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन होएगा, धक्कम धुक्की होती है ना, समझ में आया कोलिजन क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मलाड स्टेशन पे आप खड़े हो, ठीक है, मॉर्निंग 4 o'clock को आपको ट्रेन पकड़ना है। ह्यूमन बींग मतलब इलेक्ट्रॉन, ह्यूमन बींग मतलब इलेक्ट्रॉन, तो जितने भी ह्यूमन बींग है इलेक्ट्रॉन से, वो फटाफट चढ़ जाएंगे क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। सेम ट्रेन अगर आपको 9 बजे पकड़ना है तो अब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सबको एक ही डायरेक्शन में जाना है, तो क्या आएगा, धक्कम धुक्की होगी, क्या बोलेंगे, कोलिजन, क्या बोलेंगे, कोलिजन। तो जब वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, कोलिजन। जब कभी कोलिजन होता है तो स्पीड स्लो हो जाती है, समझ में आया? ट्रेन का एग्जांपल ले लो वापस, जब ज़्यादा पब्लिक रहेंगी तो स्पीड चढ़ने की कम हो जाती है, समझ में आया? तो जब कभी कोलिजन रहेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो वैसे ही किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो स्पीड कम, तो फिर करंट थोड़ा कम पास होएगा, दिस इज कॉल्ड एज रेसिस्टेंस, क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस का मतलब एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, करंट स्टॉप होना चाहिए या कम होना चाहिए, दैट एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज रेसिस्टेंस, क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस, समझ में आया? एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड एज रेसिस्टेंस, समझ में आ गया? ओके, अब वायर में रेसिस्टेंस है, कॉपर वायर में है, मेटल वायर, जितने ही मेटल्स वायर है सब वायर में रेसिस्टेंस रहेगा, थोड़ा रहेगा, कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, लेकिन रहेगा। अगर और ज़्यादा रेसिस्टेंस बढ़ गया तो करंट पास होएगा क्या? नहीं, मतलब प्लास्टिक का रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि करंट इसमें से पास हो ही नहीं सकता, तो कंडक्टर के पास कम से कम रेसिस्टेंस रहेगा और इंसुलेटर्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा रेसिस्टेंस रहेगा। कम रेसिस्टेंस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई रेसिस्टेंस बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, फर्स्ट इज कंडक्टर, सेकेंड इज इंसुलेटर। कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेज विच कैरीज करंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर, इंसुलेटर्स आर द सब्सटेंसेज विच डू नॉट कैरी करंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर। दिस इज एन इंसुलेटर, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसका रेसिस्टेंस जो है बहुत हाई है, इतना हाई है कि इसमें से करंट पास नहीं हो सकता, तो रेसिस्टेंस इसका कितना है, इनफिनाइट बोलेंगे, कितना है, infinite. समझ में आ गया रेसिस्टेंस क्या होता है? अब रेसिस्टेंस की हेल्प से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे ओहम्स लॉ, क्या अंडरस्टैंड करेंगे, ओहम्स लॉ। ओहम्स एक साइंटिस्ट है, उसने इसका फॉर्मूला निकाल के बताया, किधर है ओहम्स लॉ, यही है। ओहम्स ने बोला करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या मतलब हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब एक चीज बढ़ती है ना तो दूसरी चीज अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है, जब एक वैल्यू, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, तो जब एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो सेकेंड वैल्यू अपने आप इंक्रीज होगी। हाउस होल्ड एग्जाम्पल देता हूँ, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक बिल आएगा, जितना कम यूज करेंगे उतना कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझ में आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो होगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ये। जब कभी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो इक्वल टू लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू, क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू, इक्वल टू एंड कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, इक्वल टू, आई इज इक्वल कॉन्स्टेंट, एंड यहाँ पे क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ये वैल्यू वहाँ पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो मैं लिखता हूँ 1 अपॉन कॉन्स्टेंट,
डिनोमिनेटर है ना, बाजू में कुछ नहीं मतलब वन, तो वन अपॉन कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू वी। समझा? समझा? कॉन्स्टेंट गया नीचे, कुछ नहीं मतलब वन, तो वन अपॉन कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू वी। अब ये जो कॉन्स्टेंट है, ये जो कॉन्स्टेंट है, इस कॉन्स्टेंट को मैं बोलूँगा आर। क्या बोलूँगा? आर। ठीक है, क्या बोलेंगे? आर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आई इंटू आर इक्वल टू वी। आर का फॉर्मूला चाहिए अगर आपको, तो वी तो वहाँ पे है, आई गया नीचे तो नीचे आएगा, आर इज इक्वल टू वी अपॉन। समझ में आई? Yes. बात समझ में आई? आर इज इक्वल टू वी अपॉन। तो ये रेसिस्टेंस का आपको फॉर्मूला मिल गया, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। समझ में आ गया ये बात? ओके, अब एसआई यूनिट इसका, सबका एसआई यूनिट स्टडी करना है, मैंने बताया आपको। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओ एच एम। ओहम। क्या है? ओ एच एम। अगर इतना बड़ा ओ एच एम ओहम लिखना है तो हम लोग उसके लिए सिंबल यूज़ करेंगे। क्या सिंबल है? घोड़े के पैर की जूती देखी है आपने, नाल। ओके, तो ये सिंबल है, ओमेगा वाला सिंबल, ये सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, एम्पियर के लिए ए यूज़ किया, वोल्टमीटर के लिए कूलम के लिए सी यूज़ किया, तो फिर ओहम के लिए ओ यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बराबर। मगर मान लो आपका रेसिस्टेंस का आंसर आया 20, क्या आया? 20। ओहम लिखना है, ओहम का आप बोलोगे ओ लिखना है, तो कितना हो गया? तो इसके लिए कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करेंगे? ओहम का सिंबल, लाइक दिस। ओ लिखने नहीं आता आपको तो क्या लिखने का? ओ एच एम, ओहम, लेकिन ओ नहीं लिखना। समझ गया? ओहम। हाँ, चलो इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आज के लिए, चलो ये कंप्लीट कर लो पहले, और ये इसका डेफिनेशन लिख लो, एबिलिटी टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, और वी कैन ऑल्सो से इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड ऑफ अ कंडक्टर, ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेसिस्ट। ठीक, इसका स्टेटमेंट कैसा रहेगा? ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर, कंडक्टर, मटीरियल एंड ऑल द फिजिकल थिंग्स शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। वो चेंज नहीं होना चाहिए। करंट पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनलिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब पॉसिबल है ऐसा? वायर सेम रहना चाहिए हर बार एक्सपेरिमेंट के लिए, मटेरियल सेम रहना चाहिए, कॉपर है तो कॉपर वायर, ठीक है, फिर आयरन है तो आयरन, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम, एरिया सेम, लेंथ सेम रहना चाहिए, एरिया सेम रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ जब सेम रहेगी, एक ही जगह पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो फिर आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। लिखना कैसा है? करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर सच एज इट्स लेंथ, इट्स मटीरियल, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। ये स्टेटमेंट, और ये इतना एग्जाम में एसआई यूनिट तक कंप्लीट करना है, उसके लिए मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आर क्या है? रेसिस्टेंस है। आर क्या है? रेसिस्टेंस है, कहीं लिखा नहीं हमने, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लो, वेयर वेयर आर इज रेसिस्टेंस, वेयर आर इज रेसिस्टेंस। समझ गया? अब आ जाइए लास्ट पार्ट पे। रेसिस्टिविटी पे देखो, इसके लिए हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। R इज रेसिस्टेंस इज
directly proportional to length. Directly proportional to length. R is directly proportional to length. Length. Okay. Second, R is inversely, matlab 1 upon proportional to area. Inversely proportional to area. Directly mein 1 nahi aayega. Inversely matlab 1 upon. R R same hai. Yes. Left hand side same hai. Directly proportional to length and inversely proportional to. So R is directly proportional to L into 1, L upon A. जब equal इसको हटाएंगे तो क्या आएगा? Equal to and constant. Equal to and constant. यहाँ पे क्या है? L upon A. यहाँ पे जो constant है ना, इसको हम लोग बोलते हैं resistivity. क्या बोलते हैं इसको? resistivity. ठीक है, ये सेम रहेगा L upon A. अब इतना resistivity हम लोग इतना लंबा नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट यूज़ करेंगे. तो शॉर्टकट में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? मान लो R यूज़ किया हमने. क्या यूज़ किया? जैसा उसने बताया R यूज़ करेंगे. तो R यूज़ किया तो ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टिविटी है. कन्फ्यूजन होएगा ना, कौन सा रेसिस्टेंस है, कौन सी रेसिस्टिविटी है. तो हम लोग R नहीं यूज़ करेंगे. तो वहाँ पर हम लोग ऐसा सिम्बॉल यूज़ करेंगे लाइक दिस. हिंदी का क्या ये है? हाँ, तो ये हम लोग ऐसा सिंबल यूज़ करेंगे. इसको इंग्लिश में आर एच ओ रो बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आर एच ओ रो. समझ में आया? बट ये रो मतलब तो रड़तो वाला रो नहीं है. अंडरस्टूड? एक सिंबल है ग्रीक लेटर में. जैसा हम लोग ए बी सी डी पढ़ते हैं, वैसे ग्रीक में अल्फा बीटा टीटा डेल्टा ओके पाए ओमेगा रो, ऐसे सब सिंबल्स होते हैं उसके अंदर. तो ये सिंबल का मतलब क्या है? रेसिस्टिविटी. रेसिस्टिविटी. ठीक है. सो अब अगर मुझे इसका फॉर्मूला निकालना है, किसका? रेसिस्टिविटी का. ए जाएगा आर के पास, ऊपर गया, एल ऊपर है तो उधर गया तो नीचे आएगा, इधर कौन बचा? समझ में आया कैसे निकालते फॉर्मूला? इसका एसआई यूनिट क्या पढ़ना है? इसका एसआई यूनिट क्या होएगा? ओहम मीटर. क्या होएगा? क्या ऐसा यूनिट है? इसका ऐसा यूनिट ओहम मीटर कैसे आएगा? तो देखिए कैसे इसका ओहम मीटर आंसर आता है. रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल. आर इंटू ए अपॉन एल. अब देखो रेसिस्टेंस मतलब ओहम, ए मतलब एरिया. एरिया मेजर करते हैं मीटर इंटू मीटर. लास्ट चैप्टर कराया ना मैंने आपको ज्योमेट्री का. कौन सा वाला चैप्टर है वो? हाँ, तो उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ करते तो स्क्वायर में आंसर आता है ना. तो मीटर इंटू मीटर लिखा मैंने, लेंथ खाली मीटर लिखा, मीटर मीटर कट हुआ. क्या बचा? ओम मीटर. समझ में आया ओम मीटर आंसर कैसा आता है उसका? ठीक है चलो.